दोस्तों एक्सिस बैंक अपना न्यू क्रेडिट कार्ड पिछले कुछ महीने से लाइफ टाइम फ्री ऑफर कर रहा है, जिसके तहत ये क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं इस ऑफर पीरियड के दौरान, तो आपको कभी भी ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी जो है इस कार्ड की नहीं पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज इसकी जो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है वो है 590 रुपया GST मिला के। और दोस्तों ये ऑफर जो है वो 30 नवंबर 2023 तक ही वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। अगर ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री लेना है तो 30 नवंबर 2023 तक आपको अप्लाई करना होगा। अदरवाइज ये कार्ड अप्लाई करने पर आपको ज्वाइनिंग फी भी देनी पड़ेगी और एवरी ईयर रिन्यूअल फी भी देनी पड़ेगी अगर आपका स्पेंड जो है वो 1.5 लाख रुपए उससे कम का इस कार्ड पर होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड अगर आपको लेना है तो अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपके पास एक और अच्छा ऑफर है इस कार्ड को अप्लाई करने का। इस कार्ड को आप कैश करो के थ्रू अप्लाई कीजिए, कार्ड तो आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा ही अगर आपने 30 नवंबर 2023 तक अप्लाई किया तो। और कार्ड अप्रूवल पर कैश करो की तरफ से अलग से 1100 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर आपको मिलने वाला है। सो एक्सिस बैंक का अगर कोई क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है, कोई लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आप देख रहे हैं जिसको आप सेल के दौरान इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर्स जो एक्सिस बैंक के आते हैं उसमें भी यूज कर पाए, तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। और इसको आप अप्लाई करके कैश करो से भी अलग से 1100 रुपए के अमेजोन गिफ्ट वाउचर पा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को कैश करो के थ्रू अप्लाई करने का ऑफर लिंक और डायरेक्टली वेबसाइट से अप्लाई करने का लिंक दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आपको अप्लाई करना है तो वहां से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक के न्यू क्रेडिट कार्ड के जितने भी बेनिफिट्स है वो सारे डिटेल में बताने वाला हूँ। ये बताने वाला हूँ कि क्या ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर अप्लाई करना चाहिए तो किसको अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स की। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को सबसे बड़ा यूज तो ये है कि इसको कभी भी एक्सिस बैंक का कोई इंस्टेंट डिस्काउंट का ऑफर आता है सेल के दौरान या अदरवाइज भी किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ब्रांड पे, तो वहां पर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप उस इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका प्राइमरी क्रेडिट कार्ड कोई और बैंक का है, किसी और बैंक का है, तब ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री अप्लाई करके रख सकते हैं और एक्सिस बैंक के जो इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर्स आते हैं उनका फायदा आप उठा सकते हैं। अदर बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका ज्वाइनिंग बेनिफिट बताता हूं। कार्ड इश्यू होने के पहले 30 दिनों में अगर इस कार्ड को यूज करके कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो आपको 100% का कैशबैक मिलेगा अप टू 300 रुपीज। मतलब लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के साथ में अलग से 300 रुपए का सीधा बेनिफिट आपको इसमें मिल रहा है। रेगुलर बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप जोमेटो पे यूज करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है अप टू 120 रुपीज पर ऑर्डर, और वो भी महीने में 2 बार। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को आप बुक माई शो पर कोई भी मूवी टिकट बुक करने में यूज करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है अप टू 100 रुपीज। इस क्रेडिट कार्ड को ब्लिंकिट पर अगर आप ऑर्डर करने में यूज करते हैं, पेमेंट करते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो ग्रोसरी स्पेंड पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है अप टू 250 रुपीज पर मंथ। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके मोबाइल बिल का पेमेंट करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, डीटीएच का रिचार्ज करवाते हैं, या फिर इंटरनेट ब्रॉडबैंड का बिल जो है वो पे करते हैं, तब भी आपको 5% का इसमें डिस्काउंट मिलता है अप टू 150 रुपीज। और इजी डाइनर ऐप के थ्रू किसी भी रेस्टोरेंट में आप पेमेंट करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो वहां पर भी आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है अप टू 500 रुपीज पर ऑर्डर, वो भी महीने में 2 बार अगर आपका ऑर्डर जो है वो 2500 रुपया उससे ज्यादा का है। तो दोस्तों ये सारे अलग अलग डिस्काउंट ऑफर जो है आपको रेगुलरली इस कार्ड पर मिलते हैं। रिवॉर्ड रेट की बात करें तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको हर 200 रुपीज की स्पेंड पर सिर्फ एक एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जिसका वैल्यू होता है 0.2 रुपी, जिसका मतलब सिर्फ 0.1% का इसमें आपको रिवॉर्ड रेट मिल रहा है। तो रेगुलर स्पेंड के लिए ये क्रेडिट कार्ड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं है तब तो ये क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना ही चाहिए क्योंकि एक्सिस बैंक के इंस्टेंट डिस्काउंट के ऑफर्स बहुत ज्यादा आते रहते हैं, तो वहां पर इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एंट्री लेवल है कस्टमर है, मतलब आपका ज्यादा अगर प्रोफाइल नहीं है, बहुत अच्छे क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहे, तब भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं और अपनी क्रेडिट कार्ड जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके जो बुक माई शो, जोमेटो पर, ब्लिंकिट पर इस तरह के जो ऑफर्स है उनका फायदा आप उठा सकते हैं।
अगर आपके पास एक्सिस बैंक का ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, या कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसको आप प्राइमरी कार्ड की तरह यूज करते हैं एक्सिस बैंक का, तब शायद ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए इतना यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक्सिस बैंक का एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि बाकी सारे क्रेडिट कार्ड जो है वो इससे करीब बेहतर ही होते हैं। तो उन कस्टमर्स को ये क्रेडिट कार्ड लेने में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अदरवाइज एक क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का लाइफ टाइम फ्री रखना है तो ये एक अच्छा मौका है। तो दोस्तों ये था वीडियो एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।